हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे DIY बताने वाली हूँ जो फेस्टिवल स्पेशल है और बहुत इजी है। तो सबसे पहले जो DIY हम बनाने वाले हैं उसके लिए हम एक ग्लास बॉटल लेंगे और ये फिलामेंट पेपर मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो फिलामेंट पेपर एक ऐसी चीज़ है जो हम डेकोपाज टेक्निक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मैं कट कर लूँगी और कट करने के लिए आप सीज़र यूज़ मत करो, बिकॉज सीज़र से शार्प एजेस आ जाते हैं और हमें शार्प एजेस नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस तरह से इसको कट कर देंगे पूरे इमेज को। अगर आपको ऐसे हार्ड जा रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगा के भी कर सकते हो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम डेकोपाज टेक्निक में करते हैं। उसके बाद हम उस बॉटल पे डेकोपाज ग्लू का एक लेयर लगा देंगे। उसके लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो और फिर उसके ऊपर हम ये जो कट किया हुआ पीस है वो स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद हम इसके ऊपर भी एक लेयर लगा देंगे डेकोपाज ग्लू की, और जैसे ही वो ड्राई होता है फिर जो बचा हुआ पोर्शन है बॉटल का उसमें हम ये रेड कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। स्पंज डैबर से भी आप उसको कलर कर सकते हो, जैसे मैं नॉर्मली किसी भी बॉटल में करती हूँ। तो इस बॉटल में मैंने बेस कोट नहीं दिया है, डायरेक्टली मैंने रेड कलर दिया है। तो हमें 2 कोट्स देने पड़ेंगे रेड कलर के। आप बेस कोट देके भी सेम चीज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें हम लाइट्स नहीं डालने वाले, तो आप कितने भी कोट अप्लाई कर सकते हो। जब तक फिनिशिंग अच्छी नहीं आती आप कोट्स दे सकते हो। इसके बाद जैसे ही ये कलर ड्राई हो जाता है, ये स्टेंसिल मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये स्टेंसिल इट्सी बिट्सी क्राफ्ट स्टोर में अवेलेबल है। ये इसको हम पहले फिक्स कर देंगे मास्किंग टेप से। 95% टाइम ये होने वाला है नहीं, बिकॉज मास्किंग टेप कलर पे अच्छे से स्टिक नहीं होता है, तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा उसको। और फिर गोल्डन कलर मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। रेड के ऊपर गोल्डन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने गोल्डन कलर चूज़ किया है। तो पूरे स्टेंसिल को नहीं करने वाली हूँ मैं, सिर्फ फ्रंट पोर्शन में ही मैं ये जो फ्लावर्स है वो लग करने वाली हूँ। बट अगर आप चाहते हो तो आप पूरे बॉटल को भी कर सकते हो, आई एम श्योर बहुत अच्छा दिखेगा। इतना ही मैं इस साइड में करूँगी और सेम इस साइड में भी मैंने कर लिया है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है स्टेंसिल वर्क होने के बाद। इसके बाद भी हम उसको ड्राई होने देंगे और उसका जो ऊपर का पोर्शन है उसमें मैं ये छोटे छोटे जो हाफ मोती के लाइंस आते हैं वो लगाने वाली हूँ। तो ऐसे 2 लाइंस हम लगा लेंगे ऊपर के साइड में और फिर हम इसको साइड में रख देंगे। अभी उसको ड्राई होने देंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि फिनिशिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो तीनों DIY के साथ में ही हम फिनिशिंग करेंगे। तो सेकंड DIY के लिए ये कोस्टर्स ले रही हूँ मैं, और ये मिक्स मीडिया पेस्ट हम यूज़ करने वाले हैं इस DIY के लिए, और ये स्टेंसिल यूज़ करेंगे हम। तो ये जो स्टेंसिल है वो हम पहले फ़िक्स कर देंगे अच्छे से मास्किंग टेप से। चारों साइड में फ़िक्स कर दिया है मैंने, और फिर नाइफ़ के हेल्प से हम जो मिक्स मीडिया पेस्ट है वो इस तरह से लगा देंगे। स्टेंसिल पे मिक्स मीडिया पेस्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, इवन कलर से भी ज़्यादा ये अच्छा दिखता है। ये सेम डिज़ाइन स्टेंसिल की इट्सी बिट्सी पे अवेलेबल है। मैं सारे स्टेंसिल के मटेरियल के जो भी इसमें यूज़ किया हुआ है मैंने, उस सारे के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो कश्मीरा5, तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये हमारा हो चुका है पूरा। अब हम मास्किंग टेप्स निकाल देंगे और फिर हम देखते हैं कि कैसा लुक आया है। तो ये है इसका मतलब जब हम स्टेंसिल यूज़ करते हैं उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। और मुझे इसका जो फाइनल लुक है ना वो बहुत अच्छा लगा। सी मतलब यही इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा भी रख सकते हैं हम, ऐसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बट फेस्टिव डेकोर के हिसाब से मुझे इसमें रेड कलर डालना था,
तो इसके ऊपर मैंने रेड कलर दिया है। रेड कलर में आप क्रिम्सन रेड शेड जो है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर टोमेटो रेड भी यूज़ कर सकते हो जो मल्टी सरफेस पेंट्स में आता है। कलर देने के बाद मैंने उसको ड्राई होने दिया, और ड्राई होने के बाद ये मेटालिक वैक्स मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। मेटालिक वैक्स की जगह पे आप वो वाला कलर यूज़ कर सकते हो जो मैंने फर्स्ट DIY में किया था, फेविक्रिल का गोल्ड कलर। इसको भी हम ड्राई होने देंगे और फिर इसकी भी फिनिशिंग हम एंड में करेंगे। थर्ड DIY के लिए अगेन मैं एक बॉटल ले रही हूँ, जो पर्टिकुलरली ग्रीन कलर की ही ले रही हूँ, क्योंकि वो ग्रीन कलर का यूज़ करने वाले हैं हम। और सेम यही जो फिलामेंट पेपर है वो हम यूज़ करेंगे, बट ये टाइम पे हम वैसा कट नहीं करेंगे, हम सीजर से कट कर रहे हैं। तो मुझे इस DIY के लिए एग्जैक्ट इमेज चाहिए थी, तो पहले हम ऐसे ही रफली कट कर देंगे और फिर उसको अच्छे से कट करेंगे। तो अब जितनी उसकी इमेज है एग्जैक्ट उतना ही रखना है, और ऐसे उसको हम एक्सेस जो पोर्शन है वो कट कर देंगे। अगर आप कटिंग में अच्छे हो, कटिंग स्किल्स आपके अच्छे, तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये हो गई है हमारी कट करके पूरी इमेज। अब हम इसको पेस्ट करेंगे बॉटल पे, और उसके लिए हम डेकोपाज ग्लू यूज़ करेंगे अगेन। तो डेकोपाज ग्लू जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ग्लॉस फिनिश का है, ग्लॉस और मैट दोनों फिनिशिंग में आपको मिल जाएंगे। सेम यही ग्लू मैंने फर्स्ट DIY में भी यूज़ किया था। कोई भी फ्लैट ब्रश या फैन ब्रश यूज़ करके उसको थीन लेयर अप्लाई करो और फिर इस तरह से स्टिक कर दो। स्टिक होने के बाद और एक लेयर आ जाएगी, और फिर उसको हम ड्राई होने देंगे। और जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे मैंने सिर्फ रेड कलर दे दिया है जहाँ पे ब्लैक था, और सेम जैसे फर्स्ट बॉटल के लिए किया था हमने, वैसे ही ये हाफ मोती हम ऊपर के साइड में लगाएंगे और इसमें हम लाइट्स डालेंगे। तो ये है हमारे आज के 3 DIY। ये तीनों की फिनिशिंग अभी बाकी है। फिनिशिंग के लिए मैं ये लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ कर रही हूँ, ग्लॉस फिनिश का। आई गेस ग्लॉस ज़्यादा अच्छा दिखेगा इन तीनों के लिए, और फ्लैट ब्रश यूज़ करके हम इन तीनों को वार्निश अप्लाई कर देंगे। और ये जो थर्ड वाली है उसमें तो हम ग्रीन वाली में मैं लाइट्स ऐड करूँगी। तो ये है इसका फाइनल लुक फर्स्ट DIY का। वार्निश के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। वार्निश की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो अगर आप डाउटफुल हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है फिनिशिंग के लिए। और कोस्टर्स की फिनिशिंग देखो कैसी है। अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर रेजिन डाल के फिनिशिंग के लिए कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। और ये हमारा थर्ड DIY। गाइज, आज के 3 DIY कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे बताओ। एंड बहुत सारे फेस्टिव डेकोर DIY के वीडियोस मैं डालने वाली हूँ अभी, तो स्टे ट्यून। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।